अस्सलामुअलैकुम, मैं आया हूँ बाहर और यहाँ पे आज संडे का दिन है, सो मैंने कहा चलो बाहर की वीडियो बनाते हैं। संडे का दिन हम लोग वैसे घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे घूमने का सीन ये था कि ये बिल्कुल ही सुनसान एरियाज है। वो जो कहते हैं ना कि सहूलतें होती हैं, हमें अक्सर बताया जाता है कि भाई सहूलतें आपको देते हैं हम लोग, ये होता है वो, तो ये हमारी सहूलतें हैं यहाँ की माशाल्लाह। ये सामने मोटरवे का एरिया है, गाड़ियाँ जा रही हैं, एंड ये हमारे बस, ये सारा बस ये हमारा जो ना सहूलती एरिया है जिसमें हम घूमते हैं और कुछ लोग बात भी कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास ये सारा एरिया है, मैं कैमरे को फ्लिप नहीं करूँगा, लेकिन ये है पॉज करके अगले उस पर जाता हूँ, पॉज करके मैं अगले कैमरे पे आया हूँ। ये आप देख सकते हो, ये सारा मंजरनामा यहाँ का, एंड बिल्कुल जो है ना, ये तो बारिशों की वजह से माशाल्लाह, ठीक है, रेत ही रेत है, ये बारिशों की वजह से सारा गया। ये है जी यहाँ का एरिया, और उस साइड में एक सोसाइटी भी बन रही है, तो कभी कभी हम गरीबों की नज़र उधर सोसाइटी भी पड़ जाती है, इंसान नज़र तो नहीं आते वहाँ, लेकिन सोसाइटी का एक बोर्ड नज़र आ जाता है, शायद आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, ब्लर होगा लेकिन नज़र आ जाएगा। ये हमारे यहाँ के मंजर नामे, बिल्कुल ही भरा हुआ माहौल है, इस वैसे अच्छा मौसम यहाँ का अच्छा है। आप लोग के शहर में बताइएगा कमेंट्स में लाजमी कि आप लोग के शहर में बारिश वारिश होती है या नहीं, बस हमारे जैसा यहाँ पे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मौसम ये कि गर्म है अब से, लेकिन हवा चल रही है फिर भी, और मे भी हो भी सकता है बारिश हो, वैसे कराची में तो काफ़ी बारिश हुई है। ये है जी ये हालात है, ये कच्चा रोड यहाँ का, कच्चा रोड है ये, बिल्कुल ये कच्चा रोड है यहाँ का। जिस जगह मैंने अभी आपको दिखाया ये जो एरिया है, ये इस साइड पे अक्सर फिर हम लोग जाते हैं, होटल है, होटल के बाद आपको मुख्तलिफ जगह जो मिल जाती है, और कंपनी का एरिया ये सारा, तो बस हम लोग का सारा घूमना फिरना यहीं पे होता है। वैसे हम लोग संडे को हमारा प्रोग्राम होता है, अक्सर हम लोग जाते हैं संडे को घूमने के लिए कराची, क्योंकि ये कराची का मेड का एरिया है, सो संडे को हम लोग को जाना पड़ता है कराची, यहाँ पर रह नहीं पाते कि यहाँ पर टाइम गुजरता है नहीं। हम में से कुछ माशाल्लाह ऐसे कुछ भी हैं जो जिनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि बस यहीं पे सोया जाए, बस सारा दिन निकाला जाए, लेकिन बड़ा ही टफ होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई फैसिलिटेशन नहीं है, घूमने फिरने की जो है नज़दीक कोई जगह है नहीं, बिल्कुल ही सुनसान से एरियाज़ हैं। आपको अपनी नौकरी करनी है और यहीं पर रहना है, यही आपकी ज़िंदगी है ये सारी, ये आपकी खुशी भी है, आपका गम भी है, आपको सब कुछ है। तो यार इतना कहना था, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं किसी को, चैनल अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट चाहिए हम लोग की, एंड दुनिया को दिखाना ही है ना कुछ, तो सब्सक्राइब कर देना। और कुछ और जिस चीज़ पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं मुझसे या ब्लॉग्स वगैरह के चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं उस पर भी बनाया करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चाय पियोगे?